नमस्कार, मैं डॉक्टर बबीता काजल चौधरी बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय के हिंदी विभाग से। आज हम एक एकांकी पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है मकड़ी का जाला और जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। सबसे पहले हम इसके लेखक परिचय पर बात करेंगे। लेखक जगदीश चंद्र माथुर प्रसिद्ध नाटककार हैं। जगदीश चंद्र माथुर जी ने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी की लोकप्रियता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रंगमंच के निर्माण, निर्देशन, अभिनय, संकेत आदि के संबंध में आपको विशेष सफलता मिली है। ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल थे आप। आपने ही AIR ऑल इंडिया रेडियो का नामकरण आकाशवाणी किया था। टेलीविज़न भी आप ही के ज़माने से शुरू हुआ था। हिंदी और भारतीय भाषाओं के अनेक बड़े बड़े लेखकों को आप रेडियो में लेकर आए। सुमित्रा नंदन पंत से लेकर दिनकर और बालकृष्ण शर्मा नवीन जैसे दिग्गज साहित्यकारों के साथ आपने हिंदी के माध्यम से सांस्कृतिक पुनर्जागरण का सूचना तंत्र विकसित किया और स्थापित किया। आपके द्वारा रचित नाटकों के नाम हैं कोणार्क, कुंवर सिंह, शारदिया, पहला राजा और दशरथ नंदन। लेखक परिचय पर बात करने के पश्चात हम बात करेंगे एकांकी जिसका नाम है मकड़ी का जाला। मकड़ी का जाला एकांकी जो है वो इसका कथानक इस प्रकार है जिसमें दृश्य व अदृश्य चार पात्र हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो ही पात्र हैं, भोलानाथ और चंद्रभान। भोलानाथ एक धनी व्यक्ति है जो चंद्रभान नामक युवक को अपने प्रतिष्ठान में नौकरी देना चाहता है। चंद्रभान कवि है और मन से सात्विक ईमानदार व्यक्ति है। कभी भोलानाथ भी ऐसे ही था और इतना ही ईमानदार, इतना ही स्वप्न के साथ वो युवा स्वप्नों के साथ में अपने आप को स्थापित करना चाहता था, अपने आप को प्रमाणित करना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदली, हालात बदले और वह जो भोलानाथ है वह अब पैसे को महत्व देने लगा है। और उसके लिए चंद्रभान कवि है और मन से सात्विक और ईमानदार व्यक्ति है, लेकिन अब चंद्रभान को जब वह उसकी प्रतिष्ठान में नौकरी प्राप्त करने के लिए आता है तो वह उसको समझाता है कि जीवन में पैसा कमाना ही सबसे बड़ा काम है, लेकिन यह भी स्पष्ट करता है कि उनके प्रतिष्ठान में आने का अर्थ है मकड़ी के जाल में फंसना जिससे निकलना बहुत कठिन है। वह स्वयं स्वीकार करता है भोलानाथ कि इस तरह के जीविकोपार्जन के साधन के लिए जब आप किसी प्रतिष्ठान के अंदर नौकरी करते हो तो मानो वह एक बहुत बड़ा मकड़ी का जाला है जिसमें व्यक्ति फंसता चला जाता है और इससे निकलना बहुत आसान नहीं है। और भोलानाथ चंद्रमान को इस स्थिति से भी वाकिफ कराता है कि वस्तुस्थिति क्या है और मेरे भी कभी स्वप्न थे। चंद्रभान के साथ जब इस तरह का व्यवहार होता है और इस तरह की बातें की जाती हैं भोलानाथ द्वारा तो वह यह कहता है कि मैं कुछ दिन सोचकर बताऊंगा कि मुझे आपके यहाँ नौकरी करनी चाहिए या नहीं। तो मुख्य बात यह है कि मकड़ी का जाला जो नामकरण है वो यहाँ पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। प्रतिष्ठान में आना, नौकरी करना, मतलब मकड़ी के जाल में फंसना। जीवन की तृष्णाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं और वो आगे से आगे मृग तृष्णा की तरह बढ़ती चली जाती हैं। इसीलिए भोलानाथ ने कहा कि इस मकड़ी के जाले से निकलना बहुत कठिन है। भोलानाथ जो वर्तमान में उस प्रतिष्ठान का मालिक है उसका अपने अवचेतन से द्वंद्व चलता है। जो हमने बात की है दृश्य अदृश्य पात्रों की, उसमें अदृश्य पात्र जो हैं वो यही हैं, एक छाया मूर्ति है, एक अदृश्य आवाज़ है। तो उस अदृश्य के साथ में, अवचेतन के साथ में भोलानाथ का द्वंद्व चलता है। वो अपने आप से बात करता है कि अपने स्वप्न जो हैं उनके बारे में बात करता है। चंद्रभान के जाने के बाद भोलानाथ की अंतरात्मा उसे धिक्कारती है, उसके अवचेतन का द्वंद्व उसे लताड़ता है कि उसने मकड़ी का जाला स्वयं बुना है और स्वयं उसमें फंसा है। वह भी कभी गीत संगीत का प्रेमी था, उसका मन भी सात्विक भावों से भरा था। उसका अवचेतन उसे इतना धिक्कारता है कि वह कह उठता है कि चंद्रभान इस जाल में मत फंसना। एक जीव को पार्जन के लिए मनुष्य जब घर से बाहर निकलता है युवावस्था में तो किसी भी प्रतिष्ठान में अपने आप को समर्पित करना मतलब यह है कि वो अपने स्वप्नों को, अपनी कोमल भावनाओं को, अपने जो समर्पण है, अपने जो
उसकी जो कोमलताएं हैं उन सबको वो ताक पर रखकर परिश्रम करने लगता है और जी तोड़ मेहनत करके अपने जीवन में उन्नति के मार्ग पर एक के बाद एक बढ़ते चला जाना चाहता है। तो इस तरह से एक स्थिति ऐसी आती है कि जब उसका मन भोलानाथ का इतना धिक्कारता है उसे कि वो सोचता है कि चंद्रभान को यहाँ नहीं आना चाहिए और इस मकड़े के जाले से दूर रहना चाहिए, इसमें नहीं फंसना चाहिए। लेकिन इस कहानी का चरमोत्कर्ष तब आता है जब चंद्रभान नौकरी करने आ जाता है और इस जाल में फंस जाता है और उस नौकरी को स्वीकार कर लेता है। वह क्षण भोलानाथ के लिए बहुत पीड़ादायक बन जाता है, लेकिन नियति के आगे मनुष्य भी विवश है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ना चाहते हुए भी मनुष्य को कई बार समझौते करने पड़ते हैं, अपने सपने, अपनी आकांक्षाएं, अपनी जो कोमलताएं, अपनी जो कलात्मक प्रतिभाएं हैं उसको एक तरफ रख के, उसको ताक पर रखकर उसे अपनी रोजी रोटी के लिए निकलना पड़ता है और रोजी रोटी के लिए निकलते समय वो अपने आप को उस मकड़ी के जाले के अंदर पहला कदम रख देता है। तो भोलानाथ द्वारा यह मान लिए जाने के बाद कि यह मकड़ी का जाला है और चंद्रभान को इसमें नहीं फंसना चाहिए, तब भी चंद्रभान आता है और वह नौकरी स्वीकार कर लेता है। मतलब एकांकी में भोलानाथ के अंतर्द्वंद को बड़ी कुशलता से चित्रित किया गया है, इसमें नाटकीयता भी भरपूर है और एकांकी में जो है वो दर्शकों के लिए एक द्वंद की स्थिति भी सामने आती है। इसकी विशेषताएं यही है कि मनुष्य के आंतरिक संघर्ष का चित्रण किया गया है। भोलानाथ के माध्यम से, भोलानाथ नामक पात्र के माध्यम से नाटककार बताता है कि जीवन के सैद्धांतिक समझौतों की विवशता क्या है और चंद्रभान के माध्यम से बताता है कि सपनों को पालने वाला युवा जो है वो अपने सारे सपने त्याग कर मकड़ी के जाले का हिस्सा बनना पड़ता है उसे। भोलानाथ अपने ही अंतर अर्धचेतन से वार्तालाप कर स्वयं के युवा सपनों को याद करता है और जाल में फंसने की प्रक्रिया को भी याद करता है। और इस एकांकी के माध्यम से ये बताया गया है कि काव्य प्रतिभा, कोमल भाव, भावनात्मक संबंधों का स्थान कड़वी व्यवहारिकता और रोजमर्रा की रोजगार की होड़ ले लेती है। भोलानाथ ने अपने सपने कुचले और आज वह एक युवा के सपनों को रौंद रहा है। सफल होने के लिए मनुष्य अपने कोमल व कलात्मक पक्ष को दबा देता है, यह कहीं ना कहीं इसके माध्यम से एकांकीकार ने स्थापित किया है।